तो भाई लोगों यार, जो मेरा पहला सेमेस्टर था UCW में, वो अब ख़त्म होने जा रहा है। तो अभी तक मैंने कितना जो अमाउंट है वो पे करा UCW में, मेरा फर्स्ट टर्म जो ख़त्म होने वाला है इसका, मतलब हाउ द फीस एडजस्टेड, कितना मैंने इनिशियली पे करा था, स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज अपने UCW के खुद के फीस के अकाउंट में जाके दिखाऊंगा, सारी कैलकुलेशन बताऊंगा और पूरा आपको प्लान दिखाऊंगा कि यार किस तरीके से फीस काम करती है और किस तरीके से डिडक्शंस होते हैं टाइमली। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार ये है हमारे UCW का जो फीस अकाउंट होता है, जितनी भी आप यहाँ फीस पे करते हो वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो भाई शुरू से शुरू करते हैं। तो 5th of March को मैंने जो है अपनी फीस जो है यहाँ पे करी थी। ये है मेरी कॉलेज की ट्यूशन रिसिप्ट। एज यू कैन सी दैट ऑन 5th of March आई पेड लगभग 17,500 डॉलर्स मैंने यहाँ पे करे और वो अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगा। तो दिस इज लाइक योर अकाउंट, आपका UCW ने अकाउंट खोल दिया और जो भी आप फीस पे करोगे वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती रहेगी। ठीक है, अब 5th of March को मैंने यहाँ पे अप्लाई करा और जो मेरा इनटेक था वो था अप्रैल इनटेक। सिंस मेरा जो इट वॉज हाईली अनलाइकली कि मैं इसमें वीज़ा अप्लाई करके मैं वहाँ पे ट्रैवल कर पाऊँ, तो मैंने क्या करा, अप्रैल से जुलाई में डेफर कर दिया। ठीक है, तो जब डेफर करा तो जो मैंने यहाँ से फीस पे करी थी वो 1, 2, 3, 4 मंथ्स यहाँ पे ही पड़ी रही। एंड इसके इसके बीच में हमारा जो था वीज़ा फाइलिंग का काम चलता रहा और वीज़ा हमने फाइल कर दिया। अब बात हो रही है जुलाई की। जुलाई में क्या हुआ, जुलाई में कॉलेज वालों ने कहा कि यार देखो पूरी रिफंड पॉलिसी है हमारी अच्छी, आप जितना भी आपको पढ़ना है, आप 1, 2, 3 टर्म जितने भी पढ़ने हैं आप पढ़ो, वीज़ा आए तो कंटिन्यू करें, ना आए तो पूरा रिफंड ले लो। तो यार हमने सोचा यार टाइम क्यों वेस्ट करना, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वीज़ा तो मेरे ख्याल से मेरा आ ही जाएगा। तो यार अब देखो यहाँ से आप ध्यान से सुनना, 12th of July को हमारा सेमेस्टर शुरू होने वाला था। तो यहाँ पे हमारा जो डिडक्शन हुआ वो हुआ अराउंड $7,000 का। अब मैं आपको समझाता हूँ ये $7,000 किस चीज़ के कटे हैं, किस तरीके से हमारी फीस कटती है। ठीक है, ये है देखो प्रोग्राम प्लान। इस ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें थ्रू आउट द सेमेस्टर्स हमें कंप्लीट करने होते हैं और इनकी रिस्पेक्टिव फीस होती है। हर कोर्स की एक अपनी एक ट्यूशन फीस होती है जो आपको उसको पे करके लेनी पड़ती है। तो जस्ट लाइक एनीथिंग UCW में आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स तो हर टर्म में लेने ही पड़ते हैं। तो 12 जुलाई को हमने क्या करा कि ये यहाँ से 3 सब्जेक्ट्स मैंने ये ले लिए। ठीक है, अकाउंट्स, बिजनेस एंड ये HR। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे लिए। तो उसका जो कैलकुलेशन यहाँ पे बना वो बना 2, 2, 3, 4, 0 into 3। ठीक है, $7,020 समथिंग ये यहाँ पे हमारा ट्यूशन फीस का बना और अराउंड कुछ ये छोटे मोटे चार्जेस काट के ये अराउंड $7,200 मेरे अकाउंट में से जो है डिडक्ट हो गए। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको जो फर्स्ट टर्म था यहाँ पे आपके 7K डिडक्ट हो गए हैं आपके फर्स्ट टर्म में से। टोटल आपकी जो फीस थी वो 17,500 थी। ठीक है, तो टर्म वन टोटल फीस जो हमने पे करी थी वो थी 17,500, जिसमें से हमारा ट्यूशन फीस जो थी वो कट गई 7,000 के अराउंड और हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस था, जो रिमेनिंग बैलेंस था हमारे अकाउंट में वो रह गया 10,500 समथिंग। अब भाई यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आ जाता है। ठीक है, जुलाई में हमारा सेमेस्टर शुरू हुआ, $7,000 हमारा बना और यहाँ पे ही शुरू हो गया टर्म। अब क्या होता है, स्कॉलरशिप का जो रोल होता है वो किस तरीके से होता है। इन माई केस मेरी जो स्कॉलरशिप थी वो थी $10,000 और UCW में मैंने 5 टर्म टोटल कंप्लीट करने हैं विच मेक माय पर टर्म स्कॉलरशिप $2,000। $10,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो $2,000 पर मंथ मेरे को पर टर्म मुझे जो है क्रेडिट होता है। तो भाई ऐसा होता है जब आप टर्म शुरू कर देते हो, जुलाई में मेरा टर्म शुरू हुआ और इन द मिड, मतलब टर्म शुरू होने के अराउंड 6 वीक्स के बाद जो वो $2,000 की स्कॉलरशिप होती है वो आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, तो जो ये मेरा अकाउंट था जहाँ पे 17,500 में से 17,000 कट गए थे, इसमें मेरे टोटल $12,000 हो गए थे। ठीक है, तो मेरा अकाउंट बैलेंस यहाँ पे $2,000 से स्कॉलरशिप से बन गया।
ठीक है, जो मेरा अकाउंट बैलेंस रह गया फर्स्ट टर्म का वो मेरा रह गया $12,500। तो भाई ये था टोटल पूरे मेरे फर्स्ट टर्म का हिसाब किताब। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो था टर्म वन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और अभी प्रोसेसिंग में है, तो अभी ये चल रहा है। अब क्या होगा, सेकेंड टर्म का क्या हिसाब किताब रहता है? अब सेकेंड टर्म जो हमारा है वो है अक्टूबर इनटेक। अक्टूबर इनटेक के जो है सब्जेक्ट्स अभी से जो है रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया, तो हमने भी रजिस्ट्रेशन इसमें कर दिया। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सेकेंड टर्म के लिए मैंने अगले तीन जो सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ से उठाए, ये और ये, इन तीनों की फीस मिला के जो बनी यहाँ पे अक्टूबर 12th को जो हमारी स्टार्ट होनी है उसकी बनी $7,200, जो मेरे यहाँ से अकाउंट में से टोटल बैलेंस में से डिडक्ट हो गई। ठीक है, अब हम टर्म टू के कैलकुलेशन देख लेते हैं। ट्यूशन फीस अराउंड $7,000, और अभी स्कॉलरशिप इसमें आई नहीं है, तो अराउंड $5,000 मेरे अकाउंट में करेंटली है। ठीक है, ये $5,000 अब मेरे अकाउंट में करेंटली है। जब ये दूसरा टर्म मैं शुरू कर दूंगा इसके 6 वीक्स के बाद, जब मेरी परफॉर्मेंस के बाद 6 वीक्स पढ़ने के बाद मेरे अकाउंट में यहाँ से $2,000 फिर से मेरे अकाउंट में क्रेडिट बैक हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका टोटल हिसाब किताब चलता है। ये देखो मैंने इसका पूरा प्रोग्राम प्लान बना रखा है। तो फर्स्ट टर्म में हमने 7,000 पे करा, 2,000 स्कॉलरशिप आई, 5,000 का ये फर्स्ट टर्म हमें पड़ा, टोटल जो अकाउंट बैलेंस बचेगा वो रहेगा 12,500। ठीक है, दूसरे टर्म में क्या होगा, 7,000 फिर से कटेगा, 2,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी और अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म रहेगा 7,000, और इस तरीके से पूरा ये टोटल चलता रहेगा। तो मेरे पूरे प्रोग्राम के दौरान मुझे टोटल जो फीस एडिशनली 17,500 के अलावा जो मुझे पे करनी है वो मुझे अराउंड ये फोर्थ टर्म में जाके करनी होगी, जब आई हैव टू ऐड एडिशनल $5,500 टू माई अकाउंट टू कम्प्लीट दिस टर्म। तो ये जो शीट है ये भी मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा, यू कैन हैव अ लुक एट इट, तो आपको चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो मेरी स्कॉलरशिप है वो $10,000 की है, उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन इसमें डाल रखे हैं। तो गाइस ये ही है, इस तरीके से टोटल चलता है और दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये है प्रोग्राम्स, जैसे ही सेकेंड टर्म कंप्लीट हो जाएगा हम तीसरे टर्म के सब्जेक्ट ले लेंगे, उसकी फीस यहाँ से एडजस्ट होती रहेगी, एंड इस तरीके से पूरा ये कोर्स जो है काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं उन भाई लोगों की जो फाउंडेशन करते हैं। फाउंडेशन वालों का हिसाब किताब सेम होता है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, सेम आपका अकाउंट होगा, इसमें जितना भी आप अमाउंट डालोगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। फर्क डायरेक्ट MBA और ये फाउंडेशन वालों में ये होता है कि जो उनके फर्स्ट के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट MBA के सब्जेक्ट्स ना होके, ये सब्जेक्ट्स ना होके फाउंडेशन के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनका जो पहला डिडक्शन होता है वो उनका फर्स्ट टर्म MBA वाली फीस से नहीं होता, उनका फाउंडेशन वाली फीस से होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है इसमें, इसके अलावा कुछ भी मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये चीज़ें मेरे को शुरू में बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, मतलब बहुत लोगों ने मुझे बताया था यार ऐसे स्कॉलरशिप होती है, इस तरीके से काम करता है, लेकिन आई डिडंट अंडरस्टूड इट अंटिल नाउ, जब मैंने इसको प्रैक्टिकली खुद अपनी आंखों से देखा समझा, उसके बाद मैंने सोचा यार व्हाई नॉट टू टेल दिस टू अदर पीपल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आती है कि यार फीस मैं कितनी पे करूँगा, किस हिसाब से मेरा डिडक्शन होंगे। तो आई होप विद दिस वीडियो आपका वो डाउट थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी उस पार्ट पर। सो यही एक चीज़ मुझे बतानी थी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।